बक्सर के डुमराव अनुमंडल में पुलिस की टीम को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों के पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए दोनों शख्स बाइक से जा रहे थे, तभी पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे द्वारा वाहन चेकिंग का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में सिमरी थाना वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो लगभग रात को 8 बजे के लगभग में एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बैठकर सिमरी दूधपट्टी गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस बल के द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उस पर सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे, तो पुलिस बल के सहयोग से उन दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसका नाम रामाश्रय राय और अभिषेक राय था। दोनों की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और लोडेड पिस्टल बरामद हुआ है। क्या सर, पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं क्या? हाँ, पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, तो उसको खंगाला जा रहा है और वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।